हेलो वेलकम बैक दोस्तों लास्ट के सेशन में हमने सीखा था डेबिट नोट वाउचर आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर अभी क्रेडिट नोट वाउचर क्यों यूज़ करते हैं अभी सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने के लिए डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ किया जाता है ओके सो क्रेडिट नोट वाउचर इज़ यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन डिटेल्स ऑफ सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स द रीज़न फॉर द सेल्स रिटर्न could बी डैमेज कंडीशन ऑफ़ गुड्स sold, not नॉट as per स्पेसिफिकेशन ऑफ द बायर और एनी अदर मतलब अभी गुड्स रिटर्न करने मतलब हमारे जो कस्टमर्स अभी कंपनी हमारी है हमने सेल्स किया है सब मतलब जो सामने वाली जो पार्टी है उसको ठीक है मतलब जो बायर है उनको तो जब भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सबके प्रेफरेंसेस और लाइक्स डिसलाइक्स अलग होते हैं राइट तो मतलब हमने दिए हुए प्रोडक्ट अगर उनको पसंद नहीं आए तो वो भी वो वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करते हैं ओके अदरवाइज कुछ गुड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो तो वो भी आ, मतलब प्रॉब्लम इन द दे सेंस डैमेज हो गया हो या फिर कुछ मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है ठीक है तो वो टाइम पे भी क्या होता है सेल्स रिटर्न आता है तो सेल्स इन रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि जो सेल्स करने के टाइम पे बाहर गया था वो वापस इन मतलब अंदर आया है तो उसके लिए रिटर्न इनवर्ड ये वर्ड यूज करते हैं ओके देन सेल्स रिटर्न मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ रिटर्न गुड्स मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स मतलब इसमें क्या होता है कि सेल्स में से आपका जो सेल्स रिटर्न है वो डिडक्ट होने के लिए आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना कंपलसरी है अदरवाइज जो भी फिगर्स आपने मतलब जो भी आपने सेल्स के ट्रांजैक्शन किए हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा एक्यूरेट फिगर जो है वो आपको नहीं मिलेगी इसलिए आपको क्या करना है सेल्स में सेल्स रिटर्न लेस करना है तो उसके लिए क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ किया जाता है ओके सो आई होप गाय आपको समझ में आया हो आज के लेसन के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाय बाय